हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये बनाने में तो बहुत ही इजी है, लेकिन 70-80% लोगों को पता नहीं होता है। और पता जब चलता है तब भी थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं कैसे बनाना होता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि ये बिना सोचे समझे आप खुद ब खुद बना लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक प्लस है, एक है, एक गुना है, एक भाग है, यानी कि डिवाइड, मल्टीपल एंड प्लस, तीन चीज़ें दिख रही है इसमें। तो सबसे पहले हम जब कुछ बनाते हैं तो दिमाग में आता है सबसे पहले प्लस का काम आता है, फिर माइनस का, फिर ये गुना का, फिर भाग का, तो ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले इसमें भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, तब फिर घटाव का। तो फिर मतलब समझ लो आप, जो सीढ़ियाँ चलती हैं ना शुरू से लेकर अंत तक, ये अंत से शुरू होना है आपको। तो अंत से पहले हमें चलना होगा, यानी कि 8 और 4, इनके और इनके बीच में पहले हमको सॉल्व करना होगा। तो 8 और 4 में हम अगर भागा करते हैं तो यहाँ से हम 2 मिलता है हमें, तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। और पहले से मेरे पास है (2) और +2, यानी कि यहाँ भाग का काम ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, गुना। उसके बाद फिर गुना का काम करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, पहले से 2, इन दोनों को हमने डिवाइड करके 4 लाया। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 + 4 यानी कि बराबर 6। ये पूरा आंसर हो गया। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।